अप्रैल का महीना आपके लिए समस्याओं के साथ बीत सकता है। अप्रैल की पहली तारीख से ही आपके बैंकिंग से जुड़े कामकाज में रुकावट आ सकती है। वहीं महंगाई भी आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई चीज़ों पर दाम भी बढ़ने वाले हैं। ये सब हम आपको पहले ही अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि देश भर में बैंक अप्रैल महीने में चंद दिन ही खुलेंगे। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की अवकाश कैलेंडर लिस्ट के अनुसार अप्रैल 2021 के दौरान विभिन्न अवसरों पर देश में बैंकिंग ऑपरेशन बंद रहेगा। अप्रैल महीने में बैंकों में कुल 15 दिन ही काम होगा। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंकों में हॉलीडेज की स्थिति देश के सभी राज्यों में अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि किसी छुट्टी पर पूरे देश के बैंक बंद हों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के अवकाश राज्य और स्थान विशेष पर निर्भर करते हैं। बैंकिंग हॉलीडेज उस राज्य के त्यौहार या विशेष अवसर पर निर्भर करते हैं जहां से बैंक चलाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं महीने के कौन कौन से दिन देश में बैंकिंग से जुड़े आपके काम नहीं हो सकेंगे। 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरंभ में खाताबंदी के कारण बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वहीं 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण अवकाश रहेगा, यानी बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल को रविवार है, साप्ताहिक अवकाश है। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जयंती के कारण बंद रहेंगे बैंक। 6 अप्रैल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने के कारण बंद रहेंगे। वहीं 10 अप्रैल को महीने का दूसरा शनिवार होता है, इसलिए बैंक बंद रहेंगे। और 11 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 13 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा और तेलुगु नववर्ष दिवस के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और बंगाली नववर्ष दिवस होने के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 16 अप्रैल को बोहाग बिहू के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। 18 अप्रैल को रविवार है। 21 अप्रैल को रामनवमी के कारण अवकाश रहेगा और 24 अप्रैल को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 25 अप्रैल को भी रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। यहां आपको बता दें, अप्रैल महीने में कुल मिलाकर 9 अवकाश और 6 साप्ताहिक अवकाश पड़ रहे हैं। RBI ने इन हॉलीडेज को 3 श्रेणियों में भी बांटा है, जिस लिहाज से आपको अपने बैंकिंग से जुड़े कामकाज करने के लिए इन बैंक हॉलीडेज को ध्यान में रखकर अपने काम को करना होगा।